Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर सोमवार को भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामना पूरी होती है। शिव सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार को सुबह उठकर स्नान करके भगवान शिव का आराधना करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भोले भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। आइए आज आपको बताते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के बेटे और बेटियों के बारे में। भगवान शिव के कई पुत्र और पुत्रियों का जन्म किसी न किसी तरह से उनके निर्माण के कारण हुआ था। कार्तिकेय को सुब्रणम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। गणेश, पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की विरोधाभासी कथाएं मिलती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्यवाह के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। भगवान गणेश की उत्पत्ति माता पार्वती ने चंदन के उपटन मिश्रण से की थी। सुकेश भगवान शिव के तीसरे पुत्र। पौराणिक कथा के अनुसार दो राक्षस भाई थे, हेती और प्रहेती। प्रहेती धर्मात्मा हो गया और हेती ने राजपाट संभालकर अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसकी विदुकेश नाम का एक पुत्र का जन्म हुआ। विदुकेश का विवाह संध्या की पुत्री सालकंठकटा से हुआ। माना जाता है कि सालकंठकटा व्याभिचारिणी थी, इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विदुकेश ने उस भी पुत्र की जानकर कोई परवाह नहीं की, यह न मालूम किसका पुत्र है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और मां पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। इसका नाम उन्होंने मुकेश रखा। इस मुकेश से ही राक्षसों का कुल आगे बढ़ा। जलंधर, भगवान शिव का एक चौथा पुत्र था जिसका नाम था जलंधर। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया, इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवताओं मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई थी। तब विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया। वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और भगवान शिव ने खुद जलंधर का वध कर दिया। अयप्पा, भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी हैं। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया था और वीर्य से ही बाद में सशत्व नामक पुत्र का जन्म हुआ था। उन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा जाता है। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। भारतीय राज्य केरल में शबरीमाला में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ विश्वभर से लोग शिव के इस पुत्र की मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। भूमा, एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, उस समय उनके ललाट से तीन पसीने की बूंदे पृथ्वी पर गिरी। इन बिंदुओं से पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया जिसकी चार भुजाएं थी और ये वह रक्त वर्ण का था। इस पुत्र का पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया। तभी भूमि का पुत्र होने के कारण यह भौम कहलाया। बड़ा होने पर मंगल काशी पहुंचा और भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक प्रदान किया। पौराणिक वर्णन के अनुसार खुजा धरती से तेज किरणों की तरह निकले थे और सीधा आकाश की ओर निकल गए थे। इनके बारे में पुराणों में कम उल्लेख मिलता है। न्यूज रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।